कि दिन रात में फर्ज नमाज की जो रकते हैं वो 17 हैं, जिसपे अहले सुन्नत और अहले तशैयो का इजमा है, 2 फजर की, 4 जोहर की, 4 असर, 3 मगरिब और 4 इशा, ये जो 17 फराइज बनते हैं इसकी निस्बत। पिछली दफा भी मैंने ये बात की थी तो लोगों की तरफ से ये भी क्यूरी आई कि भाई अहले तशैयो आप क्यों कहते हैं, अहले तशैयो तो 3 नमाजें पढ़ते हैं। तो भाइयों, अहले तशैयो 3 नमाजें नहीं पढ़ते, अहले तशैयो भी 5 नमाजें ही पढ़ते हैं। वो नमाजों को जमा करते हैं, जोर और असर को जमा करते हैं और मगरिब और इशा को भी जमा करते हैं। तो जहां तक सफर का मामला है, बुखारी और मुस्लिम में दर्जनों अहादीस मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में हमेशा जोर और असर को जमा करते थे और मगरिब और इशा को, इसे जोहरैन और मगरबैन कहा जाता है। लेकिन एक हदीस ऐसी है जो सही मुस्लिम में 3-4 तुर्क उसके आए हैं, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1629 नंबर और 1633 नंबर, जिसपे इमाम नवी ने सही मुस्लिम में बाप भी बांधा है कि सफर के अलावा हजर में भी, आम हालात में भी नमाजें जमा की जा सकती हैं। लेकिन ये अहले सुन्नत के लोग छुपाते हैं, क्यों? कहते हैं घाटे ही ना फिट हो जाए, फिर तो शिया से दलील पकड़ेंगे। बात अहले सुन्नत अहले तशय्यो की नहीं, बात इमाम कायनात सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुद्नबीन रहमतुल आलमीन सय्यिदुना व मौलाना इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानी जाएगी। फिरका वारियत की लानत को छोड़ें, फिरका वारियत को 3 तलाकें देकर 4 तकबीरें पढ़कर दफना दें, तब ये बातें समझ आएंगी। तो मैंने नंबर बताया सही मुस्लिम 1629 1633। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला ने कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मदीना शरीफ में बगैर खौफ के, बगैर बारिश के और बगैर सफर के जोहर और असर की नमाज जमा करवाई। पहले 4 फर्ज जोहर के पढ़े, फिर 4 असर के जमात के साथ, और फिर मगरिब और इशा की जमा करवाई, 3 मगरिब के फर्ज और 4 इशा के। अब जब ये उन्होंने बात की इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो जाहिर है कि आगे सबके लिए परेशानी थी। तो ये हदीस जो ताबई बयान करते हैं वो है सईद इब्ने जुबैर रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 96 हिजरी। जब उन्होंने ये हदीस बयान की, इब्ने अब्बास के शागिर्द थे, तो उनके आगे से शागिर्द जो है वो तबा ताबी अबू जुबैर पूछते हैं कि सईद इब्ने जुबैर, ये आप क्या कह रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम हालत में भी नमाजों को जमा किया? तो उन्होंने कहा हां, मैंने भी यही सवाल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से पूछा था कि आप क्या कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर और असर को और मगरिब और इशा को आम हालत में भी जमा किया था, तो क्यों किया था? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इसलिए किया था ताकि उम्मत के लिए नमाजों के मामले में कोई तकलीफ ना बाकी रहे, आसानी पैदा हो जाए। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन की जानों से बढ़कर उन पर रहम फरमाने वाले हैं। लेकिन मौलवियों ने यह फैसिलिटी हमसे छीन ली और इसे शिया सुन्नी का मसला बना दिया। हां, यह बात दुरुस्त है, इसकी रूटीन ना बनाई जाए, कभी कभार कोई जमा करता है, रूटीन भी अगर कोई बनाए उस पर फतवा कोई नहीं लगेगा। इवन अहले तशय्यो की किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि अफजल यही है कि 5 नमाजें अलग अलग वक्त में पढ़ी जाए, ये सिर्फ जायज है। हम भी यही कहते हैं, अफजलियत यही है कि 5 नमाजें अलग अलग वक्त में पढ़ी जाए। लेकिन अगर कोई इनको जमा कर लेता है, फजर को अलग पढ़ता है, जोर और असर को जमा करता है और मगरिब और इशा को, तो ये बिल्कुल अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का इस पर भी इजमा है। ये मैंने हवाला इस हवाले से क्लियर कर दिया, क्योंकि ये काफी सारे इस पे कमेंट्स लोगों के आ रहे थे, मैंने कहा कि इसे शुरू में ही मैं क्लियर कर दूं।